दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि मटर से आप कैसे खिचड़ी बना सकते हैं, सिर्फ मटर और चावल के साथ में, क्योंकि इसकी जो खिचड़ी होती है ना, ये देसी जगह पे बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली यूपी बिहार में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आपका ठंड का सीज़न है और मटर आया है तो ये खिचड़ी आप अपने घर में ज़रूर बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए, बहुत हेल्दी रेसिपी हो जाती है। तो क्या करना है, कुकर में थोड़ा सा तेल लेना है सरसों का और इसमें इस तरीके से कौड़े डालने हैं। ये आपको घर में मिल जाता है, इसे बरी बोला जाता है। ये जब हल्का लाल हो जाए तो इसमें थोड़ा जीरा डाल दीजिए। जब जीरा हल्का लाल हो जाए तो इसमें आप आलू डाल दीजिए। आलू थोड़ा सा, इतना दो हमने आलू डाला है यहाँ पे, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करना है, हमें ना थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी हरी लहसुन की पत्तियाँ और मिर्ची को पीस लेना है, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा मटर को और पीस लेना है। थोड़ा मटर रखना है साइड में और थोड़े मटर को अच्छे से पीस लेना है। देखो हमने इसको ज़्यादा नहीं पीसा है पानी में, हमने सिर्फ हल्का दरदरा पीसा है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं लगेगा। बिना अगर आप पानी के पीसोगे ना तो ये अच्छा दरदरा हो जाता है। तो बस इसको क्या करना है, इस मिक्सचर में अच्छे से मिला देना है कुकर में और थोड़ा सा इसको पका लेना है। फिर क्या करना है, इसको जब आप देखेंगे ये थोड़ा पकने लग जाएगा तो इसमें हम थोड़े मसाले डाल देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने डाला है इसे। सबसे पहले नमक, नमक के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, हल्दी थोड़ा सा डालना, ज़्यादा मत डालना, और फिर हम इसमें हल्का सा डालेंगे गरम मसाला भी। गरम मसाला हम थोड़ा सा लेट में डालेंगे। अभी हमने हींग डाला है इसमें, हींग डालना भी बहुत ज़रूरी होता है, खिचड़ी में एक अलग स्वाद आ जाता है। हमने देसी हींग का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो पाउडर वाले हींग भी डाल सकते हैं, पर आप थोड़ा ज़्यादा डालना। अब हम इसमें डालेंगे वो वाला पेस्ट जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये होता है धनिया का और लहसुन का हरा वाला पेस्ट। इसमें मिर्ची भी रहती है काफ़ी मात्रा में। बस अब हम उसको क्या करना है, इसी पेस्ट को हल्का सा घुमा लेना है। फिर हम थोड़ा सा टमाटर डालेंगे और फिर हम इसमें खड़ी मटर भी डाल देंगे। बस ये हरी मटर और जो खड़ी रहेगी इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला डाल देंगे, बस एक चम्मच छोटा सा गरम मसाला डाल के। फिर हम इसमें भिगोया हुआ चावल इसमें डाल देंगे। ये चावल को हमने धो लिया था और हमने कम से कम आधे घंटे के लिए इसको ऐसे पानी में रखा था, थोड़ा ये हल्का मोटा हो जाता है। एनीवेज इसमें हम थोड़ा पानी अपने हिसाब से डालेंगे, जितना खिचड़ी में पड़ता है उसने हिसाब से, क्योंकि हमें खिचड़ी इसमें थोड़ी हल्की पतली चाहिए, हमें गाढ़ी खिचड़ी नहीं चाहिए। बस ये हमें करना क्या है, हम इस पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें एक सीटी लगा देंगे। तो एक सीटी आने के बाद इस कुकर में हम इस गैस को ऑफ कर देंगे और फिर आपका ये जो खिचड़ी है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। तो देखिए कैसा लग रहा है, एक सीटी आने के बाद इस कुकर को जब हमने खोला तो ये देखिए कुछ ऐसा टेक्सचर आता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा और आप भी अपने घर में इसे बनाइए और ज़रूर कमेंट करना कि कैसा लगा आपको ये खिचड़ी की रेसिपी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।